Hello guys, welcome to my YouTube channel Isles Command. Today I will discuss about writing task 2, how you can write the good structure writing task 2. I'm making this video for especially the Indian and other nation student who speak Hindi, who are unable to understand English to English language. मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. सो मैं इस वीडियो में हिंदी यूज करने जा रहा हूँ. तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राइटिंग टास्क टू कितने टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. क्लियर? जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक आपका है एग्री और डिसएग्री टाइप स्टेटमेंट, जिसमें आपको कोई स्टेटमेंट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको, आप उससे एग्री हो आप उससे डिसएग्री हो वो आपको बताना है. दूसरा, डिस्कस बोथ दी व्यूज, जो आपका ये वाला है. इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे टास्क टू में, उनमें आपको दो व्यू मिलेंगे. लाइक सम पीपल से दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज बेटर देन डूइंग अ जॉब इन अ कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन. डिस्कस बोथ मोड्स ऑफ वर्क एंड गिव योर ओपिनियन. अब कि कुछ लोग मान रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि किसी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में काम करने से. डिस्कस बोथ मोड्स ऑफ वर्क एंड गिव योर ओपिनियन. तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनमें आपको दो जो दो व्यू मिलेंगे, डिस्कशन पॉइंट वन एंड डिस्कशन पॉइंट टू. तो उन दोनों व्यू को आपने एक्सप्लेन करना है विद योर एक्यूरेट एंड रिलेवेंट आइडियाज. और जो थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट आपको मिलेगी, वो मिलेगी कॉज एंड इफेक्ट्स. फोर्थ है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, एंड इट इज मे ऑल्सो बी द रीजंस एंड सॉल्यूशंस. लाइक अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, कॉज एंड इफेक्ट कौन सी होगी? लाइक कि ग्लोबल वार्मिंग पे हमारा टॉपिक आया कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरमेंट. कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कॉज क्या हैं और कैसे वो लोगों को या एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रही है. तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट आएगी, उसमें आपको पहले तो कॉज डिस्कस करने हैं कि क्या कॉजेज हैं, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाई ग्लोबल वार्मिंग इज अकरिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे क्या कॉज है. एंड देन अफेक्ट्स, हाउ इट इज अफेक्टिंग, मीन्स इसके प्रभाव क्या हो रहे हैं लोगों के ऊपर या फिर एनवायरमेंट के ऊपर. जो फोर्थ टाइप है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, रीजंस एंड सॉल्यूशंस. कि कोई भी स्टेटमेंट आ गई कि इस चीज़ से, जैसे कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, द ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एट एन अलार्मिंग रेट इन द सिटीज, वट आर द प्रॉब्लम्स, वट आर द रीजंस एंड हाउ वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम. कि क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है तो, या फिर क्या रीज़न है कि ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, और सोल्यूशन कि हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को. एंड फिफ्थ इज टू पार्ट क्वेश्चन टाइप. ये मीन्स जिनको मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, ये उन्हीं में से आता है जो फिफ्थ आपका टाइप है टू पार्ट क्वेश्चन टाइप. इसमें आपसे वो दो क्वेश्चन पुट करेगा, वो दो क्वेश्चन आपने दोनों रीड करने हैं. हो सकता है एक में एडवांटेज पूछे हो, दूसरे में सॉल्यूशन पूछे हो. सो जिसमें भी दो क्वेश्चन पूछ रखे हों, उसको आपने बिल्कुल ध्यान से रीड करना है स्टेटमेंट को. क्लियर? ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टास्क टू. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि राइटिंग टास्क टू का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है. क्लियर? सो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, स्टेप टू स्टेप चलो. आयल्स इज वेरी इजी एंड द राइटिंग मॉड्यूल इज द इजीएस्ट मॉड्यूल ऑफ द आयल्स. क्लियर? सो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टास्क टू. सबसे पहले जो है स्टेप इंट्रोडक्शन, मींस जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ उसमें राइट करना है उसको क्या है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटिंग टास्क टू. सेकंड बॉडी पैराग्राफ वन, थर्ड बॉडी पैराग्राफ टू, फोर्थ कंक्लूजन. इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टास्क टू. क्लियर? ओके, अब डिस्कस करते हैं कि इंट्रो कैसे लिखनी है, बॉडी पैराग्राफ वन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ टू कैसे लिखना है, एंड हाउ टू राइट द कंक्लूजन. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन टास्क टू. कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन लिख लिया हमने राइटिंग टास्क टू की, उसमें क्या क्या स्टेप इंक्लूड है. सबसे पहला स्टेप है जनरल लाइन, दूसरा स्टेप है पैराफ्रेज, तीसरा स्टेप है थीसिस, और फोर्थ स्टेप है आउटलाइन सेंटेंसेस. तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो स्टेप वन है जनरल लाइन. जनरल लाइन इज ऑल्सो नोन एज द हुक,
एंड वेन एवर वी राइट एसे द हुक इज़ द पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एसे बट इन आइल्स इट्स नॉट कंपल्सरी यू कैन यूज इट यू कॉन्ट यूज इट इफ यू यूज इट इट विल नॉट इंक्रीज यूर बैंड इफ यू डोंट यूज इट इट विल नॉट डिक्रीज यूर बैंड मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि जनरल लाइन जब भी हमको एसे लिखते हैं उसका स्टार्टिंग का एक पार्ट होता है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो आइल्स के जो आपने टास्क टू लिखने हैं उनमें ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने जनरल लाइन यूज करनी ही है। कुछ ट्रेनर आपको जरूर बोलेंगे कि जनरल लाइन लिखोगे एजुकेशन इज द इम्पोर्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल हेल्थ प्ले एन बट दैट्स नॉट कंपल्सरी क्योंकि आपकी इंट्रोडक्शन बोरिंग है इंटरेस्टिंग है ये मैटर नहीं करता आपके बैंड स्कोर पे। क्लियर। सो अगर आप इसको यूज करते हो तब भी इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, अगर आप इसको यूज नहीं करते हो उस केस में भी इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। सो रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड स्टेप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इंट्रोडक्शन लिखने का टास्क टू में वो है पैराफ्रेज। पैराफ्रेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ राइटिंग टास्क टू। सो इन दिस स्टेप यू विल रीफ्रेज द स्टेटमेंट बाय यूजिंग सिनोनियम्स और बाय चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कीप इन माइंड दैट नेवर कॉपी द स्टेटमेंट एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन। सो पैराफ्रेज क्या है, पैराफ्रेज में आपको क्या करना होता है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन है जो आपको क्वेश्चन गिवन है टास्क टू का उसको अपने वर्ड्स में चेंज करके लिखना होता है बट मीनिंग शुड बी रिमेन सेम, उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए। क्लियर। कि आपने कुछ सिनोनिमस यूज कर लिए उसको स्ट्रक्चर चेंज करके लिख दिया इस तरीके से। आगे की वीडियोज में मैं आपको पूरा सिखाऊंगा टास्क टू के आंसर मैं अपलोड करूंगा खुद लिख के कि कैसे पैराफ्रेजिंग करनी है। सो आगे नई वीडियोस के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल आइल्स कमांड को और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें बिकॉज मेरा मोटिव है कि जो लोग ये बोलते हैं कि जिनकी इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो स्टूडेंट आइल्स नहीं कर सकते बट मैं उन स्टूडेंट्स की स्पेशली हेल्प करना चाहता हूँ जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन समझ में नहीं आती है उनके लिए आइल्स मुश्किल नहीं है बट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं वही सिंपल टिप्स दे रहा हूँ अपने चैनल पे और उन्हीं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि वो भी इजीली आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, वो भी इजीली 7 और 7.5 एंड ले सकें बट ये ज़रूर कहूँगा कि समझने की ज़रूरत है। आइल्स मुश्किल नहीं है बट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग जिसकी तेज़ है उसके लिए आइल्स बहुत आसान तरीका है। ओके अब तीसरी बात करते हैं थीसिस। एक तो होगी पैराफ्रेज जिसमें हमने स्टेटमेंट को चेंज करके लिखना है, फिर सेकंड थर्ड स्टेप है थीसिस मींस ओपिनियन। इस स्टेप में आपने क्या करना है, इन दिस स्टेप गिव एन हिंट टू द एग्जामिनर दैट विच आर्ग्यूमेंट यू आर सपोर्टिंग। क्लियर। सो ये जो थीसिस है ये एक छोटा सा हिंट देना अपने एग्जामिनर को कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, आप स्टेटमेंट से एग्री हो, आप स्टेटमेंट से डिसएग्री हो, आप उसको एडवांटेजियस ज़्यादा मान रहे हो एंड यू आर थिंकिंग दैट इट इज़ द मोर डिसएडवांटेजियस। ओके तो ये थीसिस है, मीन्स आपने हिंट देना थोड़ा सा एग्जामिनर को कि आप किस किसके फेवर में जा रहे हो। क्लियर। देन द फोर्थ आउटलाइन सेंटेंसेस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन में, कई स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से बैंड स्कोर कम रहता है। इस जो स्टेप है ये लास्ट स्टेप है इंट्रोडक्शन का। इन दिस लास्ट स्टेप यू विल राइट द व्हाट विल यू डिस्कस इन द होल एसे और अपकमिंग पैराग्राफ्स। इस स्टेप में आपको क्या करना है, इस स्टेप में आपने एक लाइन लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि आप आने वाले जो पैराग्राफ है बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू में क्या डिस्कस करने जा रहे हो, मीन्स जो आप पूरा एसे लिख रहे हो उसमें आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो ये आपने इसमें बताना है। लाइक अगर आप बताने जा रहे हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मोबाइल फोन के तो आप इस लाइन को कैसे लिखोगे, दिस एसे विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज दैट आई विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मोबाइल फोन्स। क्लियर। कि एग्जामिनर को ये क्लियर हो कि आप इस पैराग्राफ में आप इस एसे में जो आने वाले हैं आने वाले पैराग्राफ हैं व्हाट विल यू डिस्कस। क्लियर। आई होप दैट ऑल विल अंडरस्टैंड ऑल थिंग विल बी क्लियर टू यू कि इंट्रोडक्शन के जो पार्ट है वो क्या क्या है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहला स्टेप है जनरल लाइन बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अगर यूज करते हो तब भी ठीक है नहीं करते हो तब भी ठीक है। क्लियर। सेकंड है पैराफ्रेज, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पैराफ्रेज और आउटलाइन सेंटेंसेस।
ये दोनों तो आपने फॉलो करने ही करने हैं अगर आप इंटरव्यू लिख रहे हो टास्क टू की। सो पहले पैराफ्रेज, थीसिस एंड आउटलाइन सेंटेंसेस, क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि ये तो हमने इंट्रो डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस द इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर, नाउ लेट डिस्कस हाउ टू राइट द बॉडी पैराग्राफ वन एंड बॉडी पैराग्राफ टू, कि बॉडी पैराग्राफ वन कैसे बनाना है, बॉडी पैराग्राफ टू कैसे बनाना है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं टास्क टू का, क्लियर। तो चलिए, हाउ टू राइट बीपी वन एंड बीपी टू टास्क टू। अब जो स्ट्रक्चर है बीपी वन और बीपी टू का, बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू का, वो लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर। तो मैं कंबाइन करके ही दोनों का बता रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है जनरल लाइन, ये इसमें कंपलसरी है। अगर आप बीपी वन और बीपी टू लिखने जा रहे हो उसमें जनरल लाइन कंपलसरी है आपके बैंड स्कोर को बूस्ट करने के लिए, क्लियर। सो जो जनरल लाइन है उसमें आपने क्या बताना है, यू विल राइट अ जनरल लाइन इन द स्टार्टिंग ऑफ बॉडी पैराग्राफ दैट वट विल यू राइट इन द बॉडी ऑफ द एसे इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, कि आप जो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो उसकी जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है उसमें आपने एग्जामिनर को क्लियर करना है कि वट आर यू गोइंग टू राइट इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, कि आप लिखने क्या जा रहे हो उस पैराग्राफ में। लाइक आप डिसएडवांटेज लिखने जा रहे हो मोबाइल फोन के एक पैराग्राफ में, उसकी स्टार्टिंग लाइन आप कैसे करोगे। यू कैन राइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शो भी कर रखा है एक बॉक्स में, देर आर वेरियस डीमेरिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग स्टडी, कि यहाँ पे बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, नुकसान है मोबाइल फोन यूज करने के स्टडी के टाइम पे। मीन्स एक ऐसी लाइन, जनरल लाइन आपने लिखनी है जिससे एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाए कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आप क्या डिस्कस करने जा रहे हो, कि उसको ज़्यादा सोचना ना पड़े, क्लियर। और आइल्स टास्क टू में बैंड उसी स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिसकी राइटिंग रीड करने के बाद एग्जामिनर को कोई भी डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, एक मैं आपसे ये भी बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप राइटिंग करते हो तो आपने इस तरीके से राइटिंग करनी है, अपनी थिंकिंग इस तरीके की बना के चलनी है कि जो एग्जामिनर है उसको कुछ नहीं पता, क्लियर, कि उसको इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमने ही उसको ए टू जेड क्लियर करवाना है। समझ में आ गई बात? ओके, ये था पहला स्टेप जनरल में। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे, स्टेट योर फर्स्ट आइडिया। अब जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप अपना पैराग्राफ लिखने जा रहे हो, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट आइडिया, वो आप वहाँ पे लिखो। लाइक अगर आप डीमेरिट्स में ही लिखने जा रहे हो मोबाइल फोन्स के, तो आपका मान लो फर्स्ट आइडिया हो गया क्या, कि इट अफेक्ट द आईज एंड इट अफेक्ट द आईज ऑफ द स्टूडेंट, आई साइट ऑफ द स्टूडेंट, इट ऑल्सो क्रिएट सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। आप कैसे भी इसको लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपने एक आइडिया लिखना है, सिंपल लिखना है, बस समझाना नहीं है, लिखना है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप थ्री, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन योर फर्स्ट आइडिया। अब जो आपने आइडिया दिया है ना फर्स्ट, की फिजिकल प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब उसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, ये क्लियर करवाना है कि कैसे कैसे हेल्थ प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है, कैसे फिजिकल प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहा है। तो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू एलाबोरेट द यूजर सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, सिट ऑन वन प्लेस एंड यूज मोबाइल फोन फॉर लॉन्गर आवर्स विच कैन कोज द वीकनेस इन द आई साइट, हेड एक एंड बैक पेन ऑल्सो, क्लियर। उसने आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये बात मैंने बोली है, ये इसलिए बोली है। अब जो स्टेप फोर है एग्जाम्पल, ये जो स्टेप फोर है ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आपके राइटिंग में 7.5 बैंड आते हैं और आपने आप उसमें एग्जांपल इंक्लूड कर देते हो तो आपका बैंड डेफिनेटली 8 बैंड पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। सो एग्जांपल, ऑलवेज गिव एन एग्जांपल इन द बॉडी पैराग्राफ वन और बॉडी पैराग्राफ टू। एग्जांपल, इट विल बी मोर हेल्पफुल टू बूस्ट यूर बैंड स्कोर इफ यू राइट एन एग्जाम्पल रिलेटेड टू योर आइडिया। मीन्स अगर आप अपने आइडियाज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल वहाँ पे देते हो तो वो हेल्पफुल रहेगा आपका स्कोर को बूस्ट करने के लिए, बट वो आइडिया रिलेवेंट होना चाहिए, वो एग्जाम्पल रिलेवेंट होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट आइडिया के बाद एग्जाम्पल दे रहे हो, फर्स्ट आइडिया से ही रिलेवेंट होना चाहिए। सेकेंड आइडिया से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहे हो, सेकेंड आइडिया से ही रिलेवेंट होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक बॉडी पैराग्राफ में एक ही एग्जाम्पल आपने देना है, ये नहीं है कि आपने उसमें तीन आइडिया दिए हैं तीनों का एग्जाम्पल दे दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक बॉडी पैराग्राफ एक एग्जाम्पल, वन बॉडी पैराग्राफ वन एग्जाम्पल, क्लियर ना। आफ्टर एग्जाम्पल स्टेप फिफ्थ, स्टेट सेकेंड आइडिया, मीन्स राइट योर सेकेंड आइडिया,
जैसे कि आपने फर्स्ट आइडिया बिल्कुल सिंपल लिखा था, ऐसे ही सेकेंड आइडिया आपने लिख देना है, सिक्स स्टेप में उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने एग्जाम्पल फर्स्ट का नहीं दिया तो यहाँ पे सेकेंड का एग्जाम्पल दोगे, क्लियर। लास्ट जो स्टेप है बॉडी पैराग्राफ वन और टू का समराइज, कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसको आपने मिनिमाइज कर देना है, लाइक दैट्स वाई दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मोबाइल फोन, क्लियर। अब आता जो सबसे लास्ट स्टेप है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन को मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर। द हाउ टू राइट द कॉन्क्लूजन, यू कैन यूज टू कॉन्क्लूड, मीन्स यहाँ पे आप कोई भी वोकैब यूज करो, टू कॉन्क्लूड, इन कॉन्क्लूजन, टेकिंग एवरीथिंग इन टू कंसिडरेशन, ये मैं एज अ सैम्पल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। टू कॉन्क्लूड प्लस रीस्टेट योर आइडियाज प्लस ओपिनियन। टू कॉन्क्लूड मीन्स कोई भी वोकैब यहाँ पे लगाओ, रीस्टेट योर आइडियाज की अपने आइडियाज को रीस्टेट करो। वहाँ पे क्या किया था, स्टेट मीन्स आपने बताया था, रीस्टेट दोबारा से उनको बताओ, बट इन अ वेरी शॉर्ट वे, एक्सप्लेन नहीं करना है। लाइक द मोबाइल फोन इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज वी इट हेल्प इन द सर्चिंग ऑफ एनी थिंग फॉर द स्टूडेंट एंड कनेक्ट विद द फ्रेंड्स, बट इट ऑल्सो कोज द वीकनेस ऑफ द आई साइट, हेड एक एंड सम अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स। मीन्स आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको रीस्टेट करना है। देन लास्ट अपना ओपिनियन देना है। सो इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द राइटिंग टास्क टू एंड द लास्ट वन इज द फॉर द कंक्लूजन, क्लियर। सो आई होप ऑल थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आइल्स कमांड एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स गेट हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज एंड दे कैन इजिली फुलफिल देयर ड्रीम्स टू गो टू एब्रॉड एंड टू लीव अ वंडरफुल लाइफ। So, thank you guys. Welcome.